अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आज आप लोगों को गाजर का हलवा बताऊंगी, बिना खोए का, सिर्फ एक कप दूध से। किस तरीके से बनाएंगे और उसमें खोए का भी टेस्ट कैसे आएगा, आपको एक ट्रिक के साथ बताऊंगी। आप लोग ध्यान से देखिए। और ये मैंने गाजर को पहले धो के घिस ली हूँ। घिस के ये 1 किलो था, घिस के कम हो गया है। और नारियल का बुरादा लेंगे, थोड़े से काजू बादाम लेंगे, इलायची, एक प्याली शक्कर लेंगे, 1 कप दूध से मैं आप लोगों को गाजर का हलवा बनाना बताती हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसमें ज़्यादा दूध भी नहीं लगेगा, मगर खोए और मावे जैसा टेस्ट लगेगा। किस तरीके से बनाएंगे आप लोग, चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, मैंने एक पतीली में गाजर के हलवे को डाल दी हूँ। घिसा हुआ गाजर है, इसमें कुछ नहीं डालना है, बिना घी डालना है, ना तेल, कुछ भी यूज़ नहीं करना है। सिर्फ इसका पानी खुश्क होने तक, जो इसमें नमी है उसे थोड़ा खुश्क करेंगे। इसमें ना पानी डालना, ना तेल डालना, कुछ भी नहीं डालना है। इसको अच्छे से पहले घिस के ले लेंगे, धो के गाजर को, और उसको अच्छे से घिसेंगे। घिस के फिर इसके पतीली में डाल के, और फिर इसका पानी जो रहेगा वो खुश करेंगे। देखिए, इस तरीके से पानी अच्छे से सुखा के लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, ये पानी जो निकल रहा है ना, ये पानी नहीं आना चाहिए, उसको अच्छे से सुखा लेना है। इसका टेस्ट जब भी बढ़ जाता है। इस मेरे तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत भी नहीं होती और अच्छे से गल भी जाता है। देखिए, इस तरीके से पहले पानी अच्छे से सुखा लेंगे। देखिए, अभी पानी सूख गया है। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, जो 1 कप हमने दूध लिया था उसमें थोड़ा सा डालेंगे, पूरा नहीं डालना है, इतना दूध बचा लेना है। आधा कप दूध डालना है और आधा बचा लेना है। ये आधा किस लिए बचाना है मैं आगे आपको बताती हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा। सिर्फ मैंने आधा दूध इसमें, आधा कप दूध डाला है और आधा दूध बचा लिया है। और यहाँ पे इलायची पाउडर को मैंने कूटो, चाहे पीस लो बारीक बारीक, इसको भी उठा के इसमें डाल देंगे। इलायची पाउडर है ये, फौरन ही पीस के या कूट के डालेंगे इलायची पाउडर। घर का पिसा हुआ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी अच्छी आती है। इसलिए जब भी बनाए तो फौरन ही कूट के ले लेंगे, तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी एकदम ओरिजिनल रहती है। आप लोग इसे देखिए किस तरीके से बना रही हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से गल भी जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बनाने में। अब ये जो मैंने आधा दूध बचाई हूँ कप का, इसे एक पतीली में डालेंगे अलग से। इसका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक इस पतीली में वो आधा जो कप दूध बचा था वो इस पतीली में डालेंगे। और जब दूध उबलने लगे, ये दूध उबलने लगा है, पक गया है दूध, जब ये दूध उबलने लगे तो इसमें आँच स्लो करके इसमें ये नींबू, आधा नींबू निचोड़ेंगे। ये हम यहाँ पे मावा बनाएंगे। कई जगहों पे मावा नहीं मिलता है, खोआ जिसे कहते हैं, वो हम घर में ही तैयार करके बनाएंगे। ये जब तक दूध फटे नहीं, चाहे तो इसमें नींबू का रस डालिए, चाहे तो उस वाइट सिरका आता है वो डाल के दूध को फाड़ना है। देखिए, दूध अब फटने लगा है, इसको आहिस्ते आहिस्ते चला के दूध फाड़ेंगे। इस ट्रिक से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बनता है।
आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए इस तरीके से अब ये पानी को अलग कर देंगे और दूध को अलग कर देंगे। देखिए मावा तैयार हो गया है सूखा, इसका पानी जो एक्स्ट्रा निकला था दूध का वो निकाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे ताकि ये मीठा हो जाए, थोड़ा सी शक्कर डाल के इसको मीठा करेंगे। और इसको थोड़ा सी पका लेंगे। देखिए इसमें हमने दूध डाला था तो दूध भी अब ड्राई हो रहा है, दूध भी अब सूख जाएगा। और ये इलायची इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के इसको भी गर्म होने के लिए रख दिए। इसको इसी तरीके से स्लो आंच पे पकने देने का, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। देखिए ये दूध ऐसा हो गया है पक्के मावे जैसा हो गया, इसमें थोड़ी शक्कर डाले तो मीठा भी हो गया। और ड्राई फ्रूट को थोड़ा सी क्रश कर लिए, अगर मिक्सर में डाल के करना है चाहे तो काट लेना है, अपने ऊपर है, ये अपना नारियल का बुरादा है। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बनता है। आपके अगर गाजर ज़्यादा होगा तो आप क्वांटिटी दूध की थोड़ी बढ़ा सकते हैं। मेरा गाजर आधा किलो तक हो गया था घिस के, इस वजह से मैंने एक कप दूध लिया है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो फिर वो हिसाब से फिर आप दूध लेते रहिए, या आपको मावा थोड़ा ज़्यादा बनाना है तो आप मावे के हिसाब से दूध लीजिए। देखिए इसमें दूध सूख गया है, अब इसमें थोड़ा सी ड्राई फ्रूट डालेंगे। और फिर शक्कर डालेंगे, एक कप जो शक्कर लिए थे वो डालेंगे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना मीठा खाते हैं वो हिसाब से शक्कर यूज़ कीजिए। इसको अच्छे से मिलाएंगे अभी। देखिए पानी एकदम अच्छे से सूख रहा है, सूख गया इसका पानी, जो शक्कर में पानी छोड़ा था एकदम अच्छे से पानी सूखा लेना है। अब इसके अंदर एक चम्मच देसी घी डालेंगे। ऊपर से डालने से क्या रहता है कि इसमें शाइनिंग भी आती है और फिर टेस्ट भी अच्छा लगता है, पहले से नहीं भगाना है। देखिए अब इसके अंदर अच्छे से मिला देंगे तो जो चमक है ना वो नज़र आती है। इस तरीके से बनाएंगे, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए इस तरीके से बना के फिर जो आप मावा था सूखा वाला जो हमने घर में बनाए, इस तरीके से तोड़ के ऊपर से डाल देंगे। है ना कम बजट में अच्छा होटल वाला गाजर का हलवा। इस तरीके से बनाइए, बहुत ही इजी तरीके से बन भी जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी रहता है। देखिए अब मैं डिश आउट करके बताती हूँ आप लोग को। इस तरीके से साइड में तेल निकलने लगे तो समझ जाना कि हमारा ये घी निकलने लगी, देखो साइड में, और गाजर एकदम अच्छे तरीके से गल भी गया है। मैं डिश आउट करके आप लोगों को बताती हूँ। देखिए डिश आउट हो गया है, कितना बेहतरीन हलवा बना है, बहुत ही टेस्टी और एकदम लाइट। देखिए मावा भी दिख रहा है, खोआ सब नज़र आ रहा है, एक कप दूध से कितना अच्छा हलवा बन गया है गाजर का। आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा।
और फिर आप लोग अपने घर में ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है। मेरे ट्रिक से यूज़ करते हुए बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब और लाइक और ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। आप लोगों को कैसा लगा बताइए ज़रूर।